गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूँ। बायोलॉजी स्पेशल सीरीज 9 जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग जुड़े। आज का टॉपिक है जीवाणु और विषाणु, यानी कि बैक्टीरिया एंड वायरस। आज का टॉपिक है जो कि SSC रेलवे BPSC दरोगा एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है। आप सभी समय से शामिल हों और जितने क्वेश्चन आते हैं लाइव चैट में आप सभी जरूर उसका आंसर करें। इससे आपका तैयारी काफ़ी बेहतर होगा और आप एग्जाम में बेहतर करेंगे, एग्जाम को क्रैक करेंगे। इसलिए सभी लोग समय से शामिल हों और आंसर करें। इससे पहले आपको स्पेशल बायो सीरीज के कुल 8 वीडियो मिलेंगे, आप सभी उसे देख सकते हैं और अपने तैयारी को रिकॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने तैयारी के लेकर जो है वो काफ़ी तत्पर हैं और आप सभी जरूर समय से और जितने पीछे के क्लास गए हैं सभी को फॉलो करते होंगे। तो आप सभी ज़रूर फॉलो करें, आपको सिर्फ फ़ायदा ही होगा, इससे कोई नुकसान होने की बात ही नहीं है। तो जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर सभी लोग करें, लिंक शेयर करें आप सभी। और आइए आज के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका आंसर करना आप सभी शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवाणु की खोज किसने किया, यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया, इसका आंसर आप सभी लोग करें। जीवाणु की खोज किसने किया, 1 नंबर है एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉफ, 2 नंबर ऑप्शन है एहरेनबर्ग, C इवानोवस्की और D इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु की खोज किसने किया, बैक्टीरिया की खोज किसने किया है, तो ध्यान रखेंगे बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉफ ने किया था। वो ध्यान रखना है आपको, बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉफ ने 1683 में किया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉफ के द्वारा बैक्टीरिया की खोज किया गया था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान ये भी पॉइंट रखेंगे कि बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉफ ने किया था, इसलिए एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉफ को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, यानी कि जीवाणु का पिता कहा जाता है एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉफ को। तो ध्यान रखेंगे जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाएगा, तो एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉफ को कहा जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैक्टीरिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, यानी कि अभी हम लोग क्वेश्चन देखे कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, अब क्वेश्चन है कि इसका नाम बैक्टीरिया किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए है एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉफ, सेकेंड है एहरेनबर्ग, 3rd इवानोवस्की और 4 इनमें से कोई नहीं। तो बैक्टीरिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया, तो ध्यान रहे बैक्टीरिया नाम सर्वप्रथम एहरेनबर्ग ने दिया था, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। एहरेनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम सर्वप्रथम दिया था कब, तो 1829 में, आपको ध्यान रखना है 1829 में बैक्टीरिया नाम रखा था एहरेनबर्ग ने। तो आपको ध्यान रखना है 1829 ईस्वी में बैक्टीरिया नाम दिया था एहरेनबर्ग ने, जबकि एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉफ ने 1683 में बैक्टीरिया की खोज किया था। तो इस तरह से ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया, तो एहरेनबर्ग, और खोज किसने किया, तो एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉफ ने किया था, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विषाणु की खोज किसने किया, यानी कि वायरस की खोज किसने किया, आप सभी इसका आंसर करें। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं आप सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है, आप सभी सारे सीरीज को फॉलो करें। चाहे आपके लिए डेली सुबह के 6 बजे ये स्पेशल डेली करेंट अफेयर सीरीज हो या फिर शाम में ये स्पेशल बायो सीरीज हो, ये सभी सीरीज आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो विषाणु की खोज किसने किया, वायरस की खोज किसने किया, ऑप्शन नंबर ए है एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉफ, सेकेंड है एहरेनबर्ग, 3rd है इवानोवस्की और 4th है इनमें से कोई नहीं। तो विषाणु की खोज किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने किया, तो ध्यान रखेंगे ये
वायरस की खोज जो है वो इवानोवस्की ने किया है, यानी कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर होगा इवानोवस्की। वायरस की खोज इवानोवस्की ने किया था, ध्यान रखेंगे कब, तो 1892 ईस्वी में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, वायरस की खोज इवानोवस्की ने कब किया था, तो 1892 ईस्वी में किया था, ये पॉइंट ध्यान रखना है। वायरस की खोज किसने किया, तो इवानोवस्की ने किया, कब किया, तो 1892 में किया है, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने तंबाकू के मोजैक रोग के अनुसंधान के क्रम में जो है वो वायरस की खोज कर डाला था, तो इस तरह से इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। वायरस की खोज इवानोवस्की, एहरेनवर बैक्टीरिया का नाम दिया था, जबकि एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक जो है वो बैक्टीरिया की खोज किए थे। ये तीन ऑप्शन आप सभी का क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कौन है। पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कौन है। ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, सेकेंड है विषाणु, थर्ड है ए प्लस बी, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी लोग करें कि पादप एवं जंतुओं के बीच के कड़ी कौन होता है, आप लोग आंसर करें। अगर मान रहे हैं कि ये पादप है और ये जंतु है और ये दोनों के बीच कड़ी कौन है, दोनों को जोड़ने वाला कौन है, आप लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे कि पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी जो होता है वो बैक्टीरिया होता है, यानी कि जीवाणु होता है। तो पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कौन होगा, जीवाणु या बैक्टीरिया होगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है। सजीव यानी कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, आप लोग पढ़े होंगे, इसके बीच के कड़ी कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, सेकेंड है विषाणु वायरस, डी है ए प्लस सी ए प्लस बी, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी लोग करें, सजीव और निर्जीव के बीच से कड़ी कौन होता है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। जितने लोग लाइव चैट में शामिल हैं कोशिश करें सभी लोग इसका आंसर करें। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा विषाणु यानी कि वायरस। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस होता है, विषाणु होता है, क्योंकि वायरस में निर्जीव और एवं सजीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। वायरस जो होते हैं इसमें निर्जीव और सजीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों का जो है वो लक्षण पाए जाने के कारण इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। निर्जीव लक्षण अगर हम बात करें इसे, तो इसको पाउडर के रूप में क्रिस्टल बनाकर बोतल में लाखों वर्ष तक रखा जा सकता है, और जैसे ही ये बाहर निकलता है तो ये सक्रिय हो जाता है। तो इस तरह से जो है इसमें निर्जीव का भी लक्षण है, सजीव का भी लक्षण है। यह किसी भी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और इस तरह से विभिन्न एंजाइम का निर्माण करने लगते हैं। तो इस प्रकार सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी जो है वो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन जीवाणु नहीं है। इसमें से कौन जो है वो जीवाणु नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि कौन जीवाणु नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है नील हरि शैवाल, सेकेंड है शैवाल, थर्ड है ए प्लस बी, और फोर्थ है नोस्टॉक। तो कौन इसमें जीवाणु नहीं है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करें, इसमें से कौन जीवाणु नहीं है, सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि इसमें से जो है वो कौन जीवाणु नहीं, कौन इसमें जीवाणु नहीं है, आप लोग को आंसर करना है। एक नंबर है नील हरि शैवाल, सेकेंड है शैवाल, थर्ड है ए प्लस बी, और नेक्स्ट है नोस्टॉक। तो इसमें से कौन जो है वो आपका बैक्टीरिया नहीं है, यानी कि जीवाणु नहीं है, आपको आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें इसमें से कौन जो है वो बैक्टीरिया नहीं है। ध्यान से सभी लोग बचना है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत आपको फंसाएगा, लेकिन आपको इसका सही आंसर करके निकलना है। सभी लोग इसका सही आंसर करें। तो ध्यान रहे शैवाल बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि शैवाल
पादप जगत का सबसे सूक्ष्म पौधा होता है, आपको ध्यान रखना है। शैवाल पादप जगत का सबसे सूक्ष्म पौधा होता है, जबकि नील हरित शैवाल जो होता है ये एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और बाकी के नोस्टक भी एक प्रकार की बैक्टीरिया है, जीवाणु है, और शैवाल जो है वो जीवाणु नहीं है बल्कि ये पादप जगत का सबसे सूक्ष्म पौधा है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से इसका आंसर करना है। शैवाल पादप जगत का सूक्ष्म पौधा है, जबकि नील हरित शैवाल एक प्रकार की बैक्टीरिया है जो कि साइनोबैक्टीरिया कहलाता है, ध्यान रहे आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में कौन से बैक्टीरिया को प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया कहा जाता है। तो कौन से बैक्टीरिया को प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया कहा जाता है, आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है यू बैक्टीरिया, सेकेंड है साइनोबैक्टीरिया, थर्ड है परपोषी बैक्टीरिया और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो कौन से बैक्टीरिया को प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया कहा जाता है, आप लोग आंसर करें। ध्यान रहे कि बैक्टीरिया जो है वो चार प्रकार के होते हैं। एक आद्य बैक्टीरिया होते हैं, सेकेंड यू बैक्टीरिया होते हैं, थर्ड जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया और चौथा परपोषी बैक्टीरिया। तो उसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया कहा जाता है, यानी कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण करता है बैक्टीरिया, वह कौन सा बैक्टीरिया है, आप सभी को आंसर करना है। तो ध्यान रहे यू बैक्टीरिया को प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया भी कहा जाता है, यू बैक्टीरिया को प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसमें कोशिका भित्ति एवं पर्ण हरित पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और इसी कारण इसे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसी वजह से इसे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया या फिर इसे वास्तविक बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ध्यान रहे इसे वास्तविक बैक्टीरिया भी कहा जाता है या प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब जब प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया कह रहे हैं तो इसमें जरूर पर्ण हरित या क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तभी तो ये प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि यू बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें पर्ण हरित पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसके वजह से इसे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कहा जाता है, ध्यान रहे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गाय के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, गाय के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है मिथोनोजेन, सेकेंड है एनाबिन, थर्ड है नोस्टक और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो गाय के आंत में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, आप लोग आंसर करें। गाय भैंस के आंत में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे ये मेथेनोजेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एक आद्य प्रकार की बैक्टीरिया होती है और यह बैक्टीरिया खासकर लवणीय क्षेत्र, गर्म झरने, रेगिस्तान आदि में पाए जाते हैं, और गाय भैंस के आंत में भी यही मेथेनोजेन नामक बैक्टीरिया पाई जाती है जो कि एक आद्य बैक्टीरिया है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो गाय भैंस के आंत में मेथेनोजेन नामक बैक्टीरिया पाई जाती है, और गोबर से जो मीथेन गैस का उत्पादन होता है, जैसे आप देखते हैं कि गोबर से जो है वो मीथेन गैस का उत्पादन किया जाता है, तो गोबर से जो मीथेन गैस बनता है ये मेथेनोजेन नामक बैक्टीरिया से ही बनता है, आपको ध्यान रखना है। ये मेथेनोजेन बैक्टीरिया जो होते हैं यही गोबर से मीथेन गैस बनाते हैं। तो इस तरह से इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, तो इसमें कौन सा जीवाणु ऐसा नहीं है जो स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन है एक नंबर राइजोबियम, सेकेंड है एनाविना, थर्ड है नोस्टक और फोर्थ है बैसिलस। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें, कौन सा बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता, आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। एक्चुअली सबसे पहले आप इस पॉइंट को समझेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, इसमें क्या होता है कि पौधा जो होते हैं
वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं बल्कि वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। और पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए नाइट्रोजन काफ़ी आवश्यक है, काफ़ी आवश्यक तत्व जो है वो नाइट्रोजन है, और पौधा हर हाल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेगा। तो कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु जो होते हैं वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, और ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल कर भूमि में मिला देते हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और जीवाणुओं में इस प्रक्रिया, जीवाणुओं के द्वारा जो इस प्रक्रिया को किया गया, इसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी पौधा होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं बल्कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। और इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता कौन है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया बदलते हैं। तो उसी बैक्टीरिया जो होते हैं, वही बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली बैक्टीरिया होते हैं। तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में नहीं बदलते हैं? तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा आपका बैसिलस। बैसिलस जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया नहीं है बल्कि आपका राइजोबियम, एनावीना, नोस्टक, ये सब आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं। आप ध्यान रखेंगे ये सारा बैक्टीरिया जो है राइजोबियम, एनावीना, ये सब दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाते हैं। लेगुमिनेसी कुल के पौधों के जड़ों में जो है ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में कौन विनाइट्रीकरण करने वाला जीवाणु नहीं है। अभी हम लोग देखें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला, अब कह रहे हैं कि विनाइट्रीकरण करने वाला बैक्टीरिया नहीं है। इसका आंसर आप सभी लोग करें। अब सब इसका ऑप्शन है आपका थायोबैसिलस, सेकेंड है एनाबीना, थर्ड है माइकोकोकस और नेक्स्ट है बैसिलस। तो कौन विनाइट्रीकरण करने वाला जीवाणु नहीं है? और विनाइट्रीकरण को आप समझेंगे, कुछ जीवाणु क्या करते हैं कि जो मिट्टी में मिला हुआ नाइट्रेट रहता है उसको नाइट्रेट या नाइट्रेट को क्या करेगा कि वो नाइट्रोजन में बदल देगा। अभी तो हम लोग देखें कि पेड़ पौधा जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वो नाइट्रेट को जो है नाइट्रोजन में बदल देते हैं, और ऐसा करने से वो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल कर उसे जो है वातावरण में मुक्त कर देते हैं, और इसी क्रिया को विनाइट्रीकरण कहा जाएगा। जैसे उसमें देखे कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जा रहा था और यहाँ पर नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर वातावरण में मुक्त किया जा रहा है, तो इस तरह के बैक्टीरिया को विनाइट्रीकरण करने वाला बैक्टीरिया कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अब इसका आंसर आप लोग करें कि इसमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है कि जो आपका विनाइट्रीकरण नहीं करता है, आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका एनाबीना। एनाबीना अभी हम लोग पीछे देखे थे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया था, और बाकी के जो थायोबैसिलस है, माइकोकोकस है, बैसिलस है, ये सब बैक्टीरिया जो हैं वो विनाइट्रीकरण करने वाले बैक्टीरिया हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ध्यान रहे कैसा लग रहा है आप सभी को, क्वेश्चन काफ़ी आसान लग रहा होगा। जो लोग अगर ध्यान से पढ़े होंगे, जो लोग सब्जेक्टिव क्लास किए होंगे उनके लिए काफ़ी आसान लग रहा होगा, लेकिन जो लोग नहीं किए होंगे वो लोग भी समझें। लेकिन कोशिश करें आप सभी की एक बार सब्जेक्टिव पढ़ें, क्योंकि बायो पढ़ने में काफ़ी जो है मज़ा आता है। अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी काम अगर शिद्दत से किया जाए तो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इसी तरह अगर आप बायो को अच्छा से पढ़े होंगे, अच्छा से रीड किए होंगे, तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपको मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हर रोग की दवा सिर्फ मेहनत ही है। ध्यान रहे कहा भी जाता है कि सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया है। तो आप जो है वो अपने आप को हासिल तभी करेंगे, अपने सफलता को हासिल तभी करेंगे जब आप उसके काबिल होंगे, और काबिल आप कब बनेंगे? जब आप हार्डवर्क करेंगे। इसलिए आप सभी हार्डवर्क से कभी पीछे नहीं हटे, देखिएगा बेहतर होगा। सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया है। तो आपको नौकरी तभी हासिल होगा जब आप मेहनत करेंगे।
क्योंकि आप जब काबिल होंगे तभी तो उसे हासिल कर सकते हैं, जब आप काबिल ही नहीं हैं, आप में काबिलियत ही नहीं है तो उसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप सभी जो है वो मेहनत करें, काबिल बनिए, तभी जाकर जो है वो हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। चुनौतियाँ को स्वीकार करें, क्योंकि इससे या तो आपको सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा मिलेगी। तो आपको जो कोई भी चुनौती मिल रहा है वो सारे चुनौतियों को स्वीकार कर ले, देखिएगा आप विजेता बनेंगे। लेकिन इसके लिए आपको चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जरूर इस लाइन को फॉलो करेंगे और आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आप सभी डेली देखें कि आप जितना समय दे रहे हैं उससे कितना आउटपुट ले रहे हैं, तभी आप कुछ कर सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं करेंगे। और डेली समय से क्लास ज्वाइन करें। कुछ लोग बीच से आते हैं, बीच से जाते हैं, समय से नहीं आते हैं। कुछ लोग रहते हैं कि जो स्टार्टिंग में आते हैं और लास्ट तक बने रहते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट बनिए। जब आप वो जो है समय पर अगर पकड़ है तब आप विजेता बनेंगे। लेकिन जब आपके ऊपर जो है समय का अगर आप हावी हो गया तो फिर आपको दिक्कत होगा। आप समय के ऊपर हावी रहिए, देखिएगा काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन इसके लिए आपको जो है वो चुनौतियों को स्वीकार करना होगा, काबिल बनना होगा, और काबिल बनने के लिए आपको कठिन मेहनत करने की ज़रूरत है। ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 11 है, दूध से दही जमाने वाला बैक्टीरिया कौन है। लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध से दही जमाने वाला बैक्टीरिया कौन है। ऑप्शन है, एक नंबर थायोबैसिलस, सेकेंड है लैक्टोबैसिलस, नेक्स्ट है माइकोकोकस और नेक्स्ट है बैसिलस। तो दूध से दही जमाने वाला बैक्टीरिया कौन है, इसका आंसर करें आप सभी लोग। दूध से दही जमाने वाला बैक्टीरिया कौन है, तो ध्यान रखेंगे दूध से दही जमाने वाला बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोबैक्टीरिया है, जिसे लैक्टोबैसिलस भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यही बैक्टीरिया जो है वो दूध से दही बनाता है। समझिए कि ये बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो हम लोग दही भी नहीं खा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं और कुछ हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। और ये लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वो आपका लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान रखेंगे। कुछ बैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आप देखे थे विनाइट्रीकरण करने वाला बैक्टीरिया, ये तो नुकसान दे रहे थे क्योंकि पौधे जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ले रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कर दे रहे हैं और ये वातावरण मुक्त कर दे रहे हैं। तो इस तरह से वो हानिकारक बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन को विषाक्त कर देते हैं, देखते हैं कि जो है वो रात का भोजन सुबह खराब हो जाते हैं, क्यों, बैक्टीरिया की वजह से। क्योंकि वो आपका कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम आदि होते हैं, ये सब क्या करते हैं कि जो है वो खाना को खराब कर देते हैं, बासी भोजन को खराब कर देते हैं। तो ये सब हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन अब लैक्टोबैसिलस की बात किया जाए तो यह आपका लाभदायक बैक्टीरिया है, क्योंकि इसी की वजह से आज हम दही खा पाते हैं। या फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एंटीबायोटिक बनाते हैं, जिसकी वजह से आज काफ़ी दवाएं बनी है। तो इस तरह से ये सारा बैक्टीरिया जो है वो आपका लाभदायक बैक्टीरिया है। या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया थे, वो भी आपका लाभदायक बैक्टीरिया थे। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया से कुछ प्रॉफिट भी है तो कुछ जो है लॉस भी है, और प्रॉफिट वाला बैक्टीरिया और लॉस वाला दोनों बैक्टीरिया को हम लोग देखे भी अभी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में कौन जंतु वायरस नहीं है, कौन से जंतु वायरस नहीं, आप लोग आंसर करें। ऑप्शन नंबर एक है इन्फ्लुएंजा वायरस, सेकेंड है स्वाइन फ्लू वायरस, थर्ड है पोलियो वायरस और नेक्स्ट है टोबैको मोज़ेक वायरस। कौन जंतु वायरस नहीं है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि कौन जंतु वायरस नहीं है। प्लांट वायरस आपका जो है वो एनिमल वायरस नहीं है, यानी कि इसमें तीन एनिमल वायरस है और आपका एक जो है प्लांट वायरस है। तो इसमें से कौन प्लांट वायरस है, आंसर करें सभी लोग। तो ध्यान रहे, इसका आंसर होगा डी नंबर, टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV इसे कहा जाता है। TMV टोबैको मोज़ेक वायरस जो है एक तरह का पादप वायरस है। बाकी के इन्फ्लुएंजा वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस, पोलियो वायरस, ये सारा का सारा जो है वो आपका एनिमल वायरस है, जंतु वायरस है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि BCG का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है। BCG का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है, आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है TV, सेकेंड है क्षय रोग, थर्ड है A+B और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो BCG का टीका किसके लिए दिया जाता है, किसके बचाव के लिए दिया जाता है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि BCG का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है, आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे, BCG का टीका जो है
टीवी या क्षय रोग या यक्ष्मा के बचाव के लिए दिया जाता है, यानी कि इसका आंसर तो सी होगा क्योंकि टीवी को ही क्षय रोग या यक्ष्मा बोला जाता है। तो बीसीजी का टीका टीवी से बचाव के लिए दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। अगला क्वेश्चन है कि बीसीजी के टीका का आविष्कार किसने किया था। बीसीजी के टीका का आविष्कार किसने किया, ऑप्शन है एक नंबर रॉबर्ट कोच, सेकेंड है कालमेट, नेक्स्ट है लुई पाश्चर और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो बीसीजी के टीका का आविष्कार किसने किया था, आप लोग आंसर करें। बीसीजी के टीका का आविष्कार किसने किया था, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे बीसीजी के टीका का आविष्कार जो है वो कालमेट ने किया था, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। बीसीजी के टीका का आविष्कार जो है वो कालमेट ने किया था, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो बीसीजी के टीका का आविष्कार कालमेट ने किया है, बी नंबर आंसर होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रेबीज का टीका का आविष्कार किसने किया था। रेबीज के टीका का आविष्कार किसने किया, ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, सेकेंड है कालमेट, थर्ड है लुई पाश्चर और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो रेबीज के टीका का आविष्कार किसने किया, आप लोग आंसर करें। रेबीज के टीका का आविष्कार, जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, इसके टीका का आविष्कार किसने किया, तो ध्यान रखेंगे रेबीज के टीका का आविष्कार जो है वो लुई पाश्चर ने किया है, आपको ध्यान रखना है, सी नंबर इसका आंसर होगा। रेबीज के टीका का आविष्कार लुई पाश्चर ने किया, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कालरा, हैजा या तपेदिक के जीवाणु की खोज किसने किया है, आंसर करें आप सभी लोग। कालरा, हैजा या तपेदिक के जीवाणु की खोज किसने किया, आप लोग आंसर करें। ऑप्शन नंबर एक है रॉबर्ट कोच, सेकेंड है कालमेट, थर्ड है लुई पाश्चर और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें। कालरा, जिसे हैजा कहा जाता है या तपेदिक कहा जाता है, इसके जीवाणु की खोज किसने किया है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने इसके जीवाणु की खोज किया था और इसलिए इन्हें 1905 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रॉबर्ट कोच को, ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपके लिए कि रोग का जर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जर्म थ्योरी डिजीजेज किसने दिया था, आप लोग आंसर करें। रोग का जर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ऑप्शन नंबर एक है रॉबर्ट कोच, सेकेंड है कालमेट, नेक्स्ट है लुई पाश्चर और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो रोग का जर्म सिद्धांत किसने दिया, तो ध्यान रखेंगे रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट कोच ने जर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस तरह से आज के कुल 17 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, आप सभी इसे ध्यान से फॉलो करें, एक दो बार और देखें ताकि आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो सके। और जितने पीछे क्लास गए हैं सारे क्लास को आप रिकॉल करते रहें, काफ़ी अच्छा होगा। और चुनौतियों को स्वीकार करें और कठिन मेहनत करें, तभी जाकर आप लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो लक्ष्य को पाना है तो कठिन मेहनत तो करना होगा, तभी आप विजेता बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी जरूर जो है इस लाइन को फॉलो करेंगे और आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। डेली कुछ ना कुछ सोचना है कि कल हमें कुछ और बेहतर करना है और इसी के साथ आगे बढ़े। देखिएगा आप सभी काफ़ी आगे तक जाएंगे और आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा, मुझे पूरा है विश्वास। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास को फॉलो करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। आप सभी लोगों को गुड नाइट।